हेलो एवरीवन, मेरा नाम सूरज जनागल है। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि आप जो भी कंपनी में ज्वाइन हो तो उसकी आप प्लान कैसे दिखाएं, लोगों को आप प्लान कैसे दिखाएं। सबसे पहले ना डिपेंड करता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना अच्छा है, ठीक है। मतलब जब भी आप किसी को प्लान दिखाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल से पता लग जाता है कि आपको कुछ आता है या नहीं आता। एज्यूम अगर आप किसी ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया, आप किसी के घर गए उसको प्लान दिखाने, किसी ने कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे कंपनी की शुरुआत कब हुई थी, आपको ज्वाइन हुए मतलब ये लगा लो 10 से 15 दिन या एक मंथ हुआ, आपको ये नहीं पता कि कंपनी की शुरुआत कैसे हुई थी, बट किसी ना किसी अपने फ्रेंड के थ्रू आप इस बिजनेस में ज्वाइन हो गए, ठीक है। आपने कंपनी का कुछ बायोडाटा नहीं पता। सबसे पहले आप कंपनी के बारे में रिसर्च करें अच्छे से, ठीक है। उसके बाद जैसे मैं बता रहा था कि किसी ने आपसे पूछ लिया कि मतलब कंपनी की शुरुआत क्या होगी, आप कहोगे 1900 कुछ ऐसे होगी, तो बंदा समझ जाएगा कि आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल्स आपको गिरा देगा, ठीक है। तो आज मैं बात करता हूँ, जैसे आप बिजनेस में ज्वाइन करते हो तो आपको एक BOP बुक मिलती है, एक बुक मिलती है, उस गाइड बोल सकते हैं। उसमें क्या होता है कि आपको उस कंपनी के सारे प्रोडक्ट, कंपनी का प्लान, कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी में कौन कौन ओनर है, वो सारी डिटेल आपको मिलेगी और किस किस ने क्या अचीवमेंट मिल किया वो आपको सारा दिया हुआ है, ठीक है। बट वो एक लंबा प्रोसेस हो जाता है, ये लगा लो 30 से 40 मिनट में आपको वो समझाने में लग जाएगा, ठीक है, जिससे सामने वाला जिसको आप प्लान बता रहे हो वो आपसे बोर होने लगेगा, ठीक है। तो मैं एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूँ, पेपर प्लान बोलते हैं इसको। आप अपना एक नोटबुक लीजिए, जिसके पास भी आप बैठे उसको एक पेपर प्लान दिखा दीजिए, ठीक है। वो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा यहाँ पे कैसे आपको समझाना होता है। ये मैं मेरी रियल लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है, वो चीज़ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। जैसे मैं इस बिजनेस में आया था, मुझे भी कुछ नहीं पता था, बट एक जुनून सवार था कि मेरे को कुछ ना कुछ करना है, ठीक है। ये लगा लो मैं 3 दिन अपने अप्लायंस के मुंह की तरफ देखता रहा, हाय मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, कितना अच्छा बोलते सर, मैं इनके जैसा बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा, बट एक जुनून था। अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद करके मैंने इतना अच्छा बोलना सीख लिया, ठीक है। जैसे आज मैं जो बोल रहा हूँ ये सारा इसी नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से है, ठीक है। तो क्या हुआ, मैंने सीख लिया, 3 दिन के अंदर मैंने सीख लिया। BOP बुक भी मैंने एक बार मैडम ने बताई थी, उसके बाद मेरे को अपने आप आ गई। तो उसके बाद जो पेपर प्लान है वो मैंने खुद ही अपने अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं से सीख के तैयार कर लिया और उसका मेरे को काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया। अगर मैं BOP बुक ले जाके किसी को प्लान बताता था तो उसमें क्या होता था, काफ़ी लंबा प्रोसेस होता था, बंदा बोर होगी कह देता था मुझे नहीं करना ये काम। तो मैंने एक शॉर्ट ट्रिक अपना एक पेपर प्लान, ठीक है। उसमें क्या होता है, सबसे पहले मैं बात करूँ आपका कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब भी आप सामने वाले को कुछ बताते हो उसको कुछ नहीं पता होता, आप ये सोच के चला करो कि उसको कुछ नहीं पता, जो मेरा जो प्लान है, जो मैं प्लान बता रहा हूँ उसमें मैं सबसे अपना अच्छा दूंगा, ठीक है। मतलब जो भी है, तो जैसे कंपनी है अपनी जिसमें मैं काम कर रहा था, वर्क कर रहा था, MI लाइफस्टाइल, ठीक है। आज मैं इसके पेपर प्लान की बात करता हूँ, ठीक है, पेपर प्लान, ठीक है। वो कैसे करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे क्या करते हैं। हाँ, जैसे मान लो अगर आप किसी स्टूडेंट को बता रहे हो, ठीक है, जो कॉलेज में या स्कूल में, अगर उसको बता रहे हो, वो क्या करता है, कॉलेज के स्कूल के बाद कॉलेज में जाएगा, कॉलेज के बाद या कुछ और क्या इंस्टीट्यूट में जाएगा, ठीक है, कोचिंग लेगा, किसी ना किसी चीज़ के पैसे वेस्ट करेगा टोटली, ठीक है। आखिरी में किसके पीछे भागते, जॉब के पीछे। सबसे पहले आपने जॉब का ही लेना है, जैसे आप स्टार्टिंग कर दी मैंने पेपर प्लान की, ठीक है, आप इसको ए भाग दे सकते हैं, ठीक है, स्टेप नंबर 1। तो इसमें क्या होता है, जैसे उससे क्वेश्चन करना, आप कहाँ पर रहते हैं, वो कहेगा इंडिया में, ठीक है, आप इंडिया के, तो इंडिया में कहेगा इसकी पॉपुलेशन कितनी है, लगभग 140 करोड़, ठीक है, लगभग 140 करोड़ है। अब इसमें क्या है, आप लगा सकते हो 60% से लेके 80% तक यूथ भरा पड़ा है, यूथ बोले तो अपने जैसा 18 से 35 साल वाले, ठीक है, 18 से 35 साल वाले यूथ भरे पड़े हैं। ये अप्रोक्सीमेशन मानो तो ये लगा सकते हो 70 करोड़ है, 70 करोड़ ऐसे लोग हैं जो 18 से 35 साल के, जो नौकरी की तलाश में, ठीक है, काम की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। अब मैं बात करूँ गवर्नमेंट के पास जॉब कितनी है, अगर गवर्नमेंट के पास जॉब की बात करूँ 6 से लेके 8 करोड़ तक, 6 से लेके 8 करोड़ तक गवर्नमेंट के पास जॉब है। अब तो और भी ज़्यादा कम होगी, ठीक है। चलो मान लो, जैसे कई क्या होते हैं स्टूडेंट क्या होते हैं, भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं या कुछ ना कुछ कॉलेज इंस्टीट्यूट वगैरह वगैरह बंद कर देते हैं,
तो मान लो गवर्नमेंट को अपने ऊपर दे आ गई 2 करोड़ जो गवर्नमेंट ने बढ़ा दी, टोटल कितनी होगी 10 करोड़। ठीक है, 10 करोड़ गवर्नमेंट ने जॉब कर दी। अब क्या हुआ, पॉपुलेशन कितनी रही अपनी 70 करोड़ यूथ की, 10 करोड़ मान लो जॉब मिल गए, बाकी की जो 60 करोड़ है, 60 भी छोटे, चलो 50 करोड़ ही लगा लो, बाकी की जो 50 करोड़ है वो कहाँ जाएंगे। और ये ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने अपनी इंस्टीट्यूट पे इंजीनियरिंग करके, मतलब कुछ भी लगा लो, अच्छी खासी पढ़ाई करने के बाद भी वो नहीं लग पाए, तो अपा कैसे लग सकते हैं। मुझे पता है आप लग सकते हो, बट फिर भी एक सोचने की बात है। ठीक है, अपा कैसे वो कर सकते हैं, 50 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई जॉब नहीं है, ये फिर बाद में ऐसे लोग होते हैं जो या तो रेडी लगाते हैं या किसी दुकान पे काम करते हैं या खुद की शॉप खोलते हैं। अगर किसी का फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो अपने दुकान खोल सकता है। ठीक है, अब मैं बात करूँगा, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब का तो ये हो गया, अब बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर की, प्राइवेट जॉब की। प्राइवेट जॉब में क्या होता है कि मतलब आपसे 12 घंटे काम लिया जाता है। ठीक है, सुबह मान लो 8 की ड्यूटी है, शाम को 8 को ही आपको छुट्टी मिलेगी, या फिर 6 को लगा लो। ठीक है, और गवर्नमेंट वाले को आपको पता ही अच्छे तरीके से, 10 बंदे का काम एक बंदे से करवाने की कोशिश, मतलब अपना टोटल पैसा वसूल करने की एक ही बंदे से पूरी कोशिश करते हैं। और सैलरी कितनी देते हैं, 10 से 12 हज़ार, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी है 15 हज़ार लगा लो, 15 हज़ार में 10 बंदों का काम करवा लेते हैं। ठीक है, तब जाके वो मिलती है, तो मतलब अपना जॉब वाला सेक्टर तो बड़ा है बिल्कुल खत्म। ठीक है, ये हो गया अपना स्टेप नंबर 1। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, आप 20 में पोज कर रोक रोक के वीडियो को, मतलब ये जो भी बायोडाटा है इसको उतार भी सकते हैं। अब मैं स्टेप 2 के बारे में बात करूँगा, बी के बारे में। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे अब उसको बताना है। ठीक है, गवर्नमेंट ने एक सर्वे किया था 2005 में। ठीक है, गवर्नमेंट ने एक सर्वे किया था 2005 में। इसमें क्या चेक किया उन्होंने, जब 1920 चल रहा था, 1920वां साल चल रहा था, तो एक रुपये में लोगों की जो इनकम है, सॉरी फैमिली का गुजारा, वो हो जाता था। इसमें क्या, रोटी कपड़ा मकान बच्चों की एजुकेशन जो भी है, मतलब उनकी सुख सुविधाएं वो पूरी हो सकती थी। ठीक है, जैसे ही 1940 आया तो 10 और बढ़ गई। ठीक है, 10 रुपये हो गए। 1960 आया तो 100 रुपये हो गए। ठीक है, 1980 में 1000 रुपये हो गई। 2000 लगभग अपने भी देखा है। ठीक है, इसी के आसपास का अपना जन्म है। अगर आपकी फैमिली में 10,000 रुपये पर मंथ की अगर कोई कमा रहा था तो वो फैमिली बिल्कुल सुखी थी। ठीक है, मतलब अच्छा खासा उसकी बच्चों की एजुकेशन, सब काम, रोटी कपड़ा मकान, अच्छा लग्जरी लाइफ जी रहे थे। ठीक है, आप देख सकते हो हर 20 साल में 10 बढ़ रही है। ठीक है, हर 20 साल में 10 बढ़ रही है। आज क्या चल रहा है, 2021 चल रहा है। ठीक है, 2021 चल रहा है, मैं एक बार 20 की बात करता हूँ। जैसे यहाँ पे 10 बढ़ी तो 2020 में भी 10 बढ़नी चाहिए थी। ठीक है, जिस फैमिली के घर में 1,00,000 रुपये पर मंथ के आ रहे हैं उसी का अच्छा गुजारा हो पाएगा, अदरवाइज किसी का नहीं होगा। उसमें क्या होगा, बस मैनेज कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे कहीं घूम के आना वो नहीं जा सकते, कोई ज़रूरत की चीज़ हो वो नहीं ले सकते, मतलब अपने आप को मैनेज करके रखेंगे। ठीक है, अगर किसी की फैमिली में 1,00,000 रुपये पर मंथ आ रहा है तो वही एक अच्छी लाइफ जी पाएगा, अदरवाइज तो अपनी लाइफ काट लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब आपने उससे क्वेश्चन करना है, ये सारा जो भी मैं बता रहा हूँ ये एज्यूम करो कि आप किसी बंदे के पास बैठे, किसी के घर गए हो और उसको ये चीज़ बता रहे हो। ठीक है, तो अब आपने उससे क्वेश्चन करना है, क्या आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिससे अपनी 1,00,000 रुपये पर मंथ आ गए। वो कहेगा नहीं। ठीक है, अब आपने क्वेश्चन करना है कि आप ऐसा काम करना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो। वो कहेगा हाँ, मैं भी 1,00,000 रुपये कमाना चाहता हूँ। तो आपने कहना है चलो मैं इसी के बारे में आपसे बात करूँगा। ठीक है, वो 1,00,000 रुपये पर मंथ का कैसे कमाए। ठीक है, अब इतना हो गया, अब बारी है थर्ड की। ठीक है, स्टेप नंबर 3, ये हो गया स्टेप नंबर 3।
अब थर्ड पे क्या करना है उसको बताना है। ये है जैसे कोई भी पिक्चर बना दो, ये रोबर्ट टी कियोस्की, रोबर्ट टी कियोस्की, ठीक है, रोबर्ट टी कियोस्की जापान के बहुत बड़े अर्थशास्त्री है। इसने एक बुक लिखी थी रिच डैड, आपने पढ़ी भी होगी, रिच डैड पुअर डैड, ठीक है, इसने ये पुस्तक लिखी थी रिच डैड पुअर डैड। इसने क्या किया, इसमें इनकम कमाने के चार तरीके बताए हैं। कौन कौन से हैं जो पैसा कमाने के जो लीगल तरीके हैं, वो चार हैं, एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जो सरकारी जॉब करता है, ठीक है, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, जॉब करता है जो, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या हो गया, जो खुद का काम करता है, ठीक है, मतलब मान लो या तो शॉप खोल ली, कोई शोरूम कर लेगा, मतलब खुद का, ठीक है। बिजनेसमैन क्या होता है, हजारों लाखों करोड़ों की टीम बना के उनको सैलरी बेस पे रखता है और अपना बिजनेस उनसे करवाता है। इन्वेस्टर क्या हो गया, जो पैसा लगा के पैसा कमाता है, ठीक है। इनको क्या हो गया, दो कैटेगरी में रख दिया गया, लेफ्ट राइट, ठीक है, लेफ्ट राइट। अब आज हाँ, जब एक सर्वे किया गया पॉपुलेशन के आधार पे, पॉपुलेशन के आधार पे एक सर्वे किया गया, जो लेफ्ट वाली साइड है वो कितने हैं, 95% लोग ऐसे हैं जो एम्प्लॉयमेंट है या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, सिर्फ 5% लोग ही ऐसे जो बिजनेसमैन है, इन्वेस्टर है। क्वेश्चन करना है अब आपने उससे कि आप कितने अमीर लोगों को जानते हो, मुंह जवानी एक दो याद आएंगे, टाटा बिरला अंबानी। अब आप खुद सोच सकते हो, अपन जानते ही दो तीन लोगों है, ठीक है, सिर्फ जो 5% कैटेगरी में है और 95% वाले में भरे पड़े हैं, आप जैसे हो गए, मैं हो गए और हो गए, ठीक है। अब मनी के आधार पे इनका सर्वे किया गया, पैसे के आधार पे, तो 95% लोगों के पास था पूरी दुनिया का 5% पैसा, और 5% के पास था पूरी दुनिया का 95% पैसा। क्वेश्चन करना, इतना बड़ा डिफरेंस क्यों आया, सिर्फ 5% लोगों के पास से 95% लोगों के पास 5% और 5 के पास 95%, क्यों इतना बड़ा डिफरेंस क्यों, आखिर इंसान ये भी है और इंसान ये भी है, बट इनके काम करने का तरीका अलग है, वो मैं आपको बताता हूँ। लेफ्ट वाले साइड कैसे काम करते हैं, इंडिविजुअल काम करते हैं, इंडिविजुअल एफर्ट लगाते हैं, मतलब अकेले काम करते हैं। मान लो आप कहीं जॉब पे जा रहे हो तो आप अकेले जाओगे, ये तो नहीं कि अपनी फैमिली को लेकर चले जाओगे, ठीक है, आप अकेले जाओगे, अकेले काम करोगे तो एक आपको लिमिटेड इनकम मिलेगी, ठीक है, लिमिटेड इनकम आपको दी जाएगी। मान लो आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो आपको कितनी, मतलब 20,000 में लग रहे हो, 40 में लग रहे हो, 50 में लग रहे हो, लाख में लग रहे हो, जितनी भी है आपको लिमिट की इनकम मिलेगी पर मंथ, ठीक है, और एक मिलेगी एक्टिव इनकम, आपको दिख रहा है अच्छे से, बाकी जो बोल रहा हूँ उसको समझना, एक मिलेगी आपको एक्टिव इनकम, मतलब आप जॉब पे जाओगे तो आपको पैसा मिलेगा, जिस दिन आप जॉब पे नहीं जाओगे आपको पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। बिजनेसमैन इन्वेस्टर कैसे काम करते हैं, टीम वर्क काम करते हैं, टीम बना के काम करते हैं, ठीक है। मान लो एक तो आप अकेले काम कर रहे थे और आप एक आपकी टीम काम करेगी, ठीक है, तो कितना ज्यादा काम होएगा, जो जहाँ पे ज्यादा लोग काम करेंगे टीम बना के करेंगे तो वहां पे ज्यादा पैसा भी आएगा और ज्यादा काम भी होगा, ठीक है, टीम बना के काम करते हैं, ठीक है, और एक अनलिमिटेड इनकम आती है, अनलिमिटेड इनकम आती है, टीम बना के काम करोगे तो अनलिमिटेड की आपको पैसा आएगा, और एक आएगी पैसिव इनकम, ठीक है, एक आएगी आपको पैसिव इनकम। पैसिव इनकम क्या होती है, आप काम करो तो भी पैसा आएगा और नहीं करो तो भी आएगा, क्योंकि अपनी तो मान लो आपके एक साल बाद अगर आप काम करते हो आपकी टीम क्रिएट हो जाती है, उसके बाद आप काम करो चाहे ना करो आपकी टीम आपके लिए काम कर रही है तो आपके अकाउंट में पैसा आएगा, ठीक है। एक यहाँ पे एग्जांपल भी दे सकते हो, जैसे आज मुकेश अंबानी है, ठीक है, मुकेश अंबानी है उनका, ठीक है, 300 करोड़ की टीम बना रखी है। आप जियो सिम यूज करते हैं, 3 महीने का रिचार्ज होता है 555 रुपये का, ये तो है नहीं कि मुकेश अंबानी खुद आता ले भी मैं तेरा रिचार्ज कर रहा हूँ खत्म होने वाला है, आप कहीं ना कहीं शॉप से करवाते हैं जो 300 करोड़ टीम में शामिल होती है,
ठीक है, अब आप खुद कैलकुलेट कर लो कितना ज्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है, अपनी पूरी जिंदगी की कमाई और इस मुकेश अंबानी की कमाई भी इसके बराबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपनी टीम बना रखी है। ठीक है, समझ आ गई, ये हो गया अपना थर्ड स्टेप। ठीक है, समझ आ गया। अगर कुछ ना पूछना तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर इसके बारे में कुछ और जानकारी आपको चाहिए ना, वो मुझसे लेते रहना। ठीक है, क्योंकि नॉलेज बांटने का काम है अपना। ठीक है, किसी का भला हो जाए। ठीक है, अब अपना फोर्थ पॉइंट आ गया, सॉरी डी। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट में क्या होता है, जैसे अपन ने उससे क्वेश्चन करना है, आप कोई भी सामान लेके आते हो, ठीक है, कहाँ से लेके आते हो, वो कहेगा मार्केट से। ठीक है, अब उसको पूछना, अपन ने क्वेश्चन करना है, जो भी क्या कहते हैं, कोई भी मैन्युफैक्चर कंपनी होती है, ठीक है, जो कि मैन्युफैक्चर अपनी कंपनी जो सामान बनाती है। ठीक है, अब ये क्या करती है, सीधा किसको दे देती है, जो सामान है वो सी एफ एजेंट को दे देती है। ठीक है, सी एफ एजेंट क्या करता है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर को दे देता है। ठीक है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर से होता हुआ, ठीक है, होलसेलर, रिटेलर, ठीक है, देन उसके बाद अपने कस्टमर के पास आता है। ठीक है, ये आप देख लेना अच्छे से, थोड़ी मिस्टेक होगी मेरे से यहाँ से। ठीक है, मतलब एक चैन के माध्यम से, मेरा टोटल कहने का मतलब ये है, ठीक है, मतलब एक चैन के माध्यम से होता हुआ देन आपको मिलेगा। मान लो एक साबुन की कीमत है 2 रुपए में बनके अपनी तैयार हो जाती है, जो लक्स के साबुन है 2 रुपए में अपनी बनके तैयार हो जाती है, अपने को कितने की मिलती है, 10 रुपए की या 20 रुपए की। ठीक है, 10 की मिलती है या 20 की मिलती है, जो बाकी का जो 40-60% का जो भी मार्जिन है वो कहाँ गया, वो जाता है इन बिचौलियों के बीच में। ठीक है, और सबसे बड़ा पैसा जाता है एडवर्टाइजमेंट में। एडवर्टाइजमेंट जैसे अपन टीवी देखते हैं तो टीवी में ऐड आती है, ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, जैसे ऐश्वर्या की ऐड आती है, वो कहती है लक्स मेरी सुंदरता का राज। क्या आपको लगता है 10 रुपए की लक्स लगाने से वो सुंदर हुई है? जी नहीं, वो ऑलरेडी पहले से सुंदर है, इस वजह से उसको इसे ऐड करने के पैसे दिए गए हैं। और वो पैसे कहाँ से गए हैं, कस्टमर की जेब से। सही सुना आपने, कस्टमर की जेब से। आखिरी में कस्टमर है जो कुछ नहीं कमा रहा, ओनली प्रोडक्ट यूज कर रहा है, बाकी जितने भी बिचौली है सारे एजेंट या बिचौली ये पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अपनी जो कंपनी में आप काम कर रहे हो उसके बारे में बताना है। ठीक है, हाँ सेम अपनी कंपनी भी ऐसे मैम सर जो भी है। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग अपनी कंपनी का नाम है, जो भी है डायरेक्ट सेलिंग करते हैं हम, सीधा कस्टमर को माल भेजते हैं। ठीक है, बनाने वाली अपनी भी मैन्युफैक्चर कंपनी है। ठीक है, बनाने वाली अपनी भी मैन्युफैक्चर कंपनी है, वो क्या करती है, सीधा कस्टमर को सामान दे देती है। ठीक है, जैसे आप कस्टमर को, सीधा कस्टमर को सामान दे देगी, साथ में उसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी दे देती है। अब आपको भी हक है किसी और कस्टमर को दे, ठीक है, साथ में उसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी दे। अब कस्टमर टू कस्टमर ये श्रृंखला चलती रहती है, जो भी 40-60% का मार्जिन था जो इन बिचौलियों के बीच में बट रहा था, वो अपने जैसे आम लोगों के बीच में बटेगा। तो आपने उनसे क्वेश्चन करना है कि आपको कौन से माध्यम से सामान लेना चाहिए, वो डायरेक्टली इसी पे लगाएंगे जिससे अपना फायदा हो, ना कि उन बिचौलियों का। ठीक है, तो यहाँ तक होने के बाद, इतना होने के बाद आपने करना है इसमें, ठीक है, जैसे मैं MI लाइफस्टाइल का अगर प्लान बताऊं, ठीक है, इसमें आगे का स्टेप क्या, अगर उसकी क्लोजिंग एट ए टाइम लेनी हो तो, ठीक है, मतलब अपना ये प्लान दिखा है एट ए टाइम उसकी क्लोजिंग लेनी है तो क्या करना है। ठीक है, जैसे भैया हो गया तो उसने कहा इस माध्यम से, तो आपने बताया इसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ 3 टाइप है। ठीक है, 3 टाइप से क्या करना होता है इसमें, परचेजिंग, ठीक है, परचेजिंग करनी है। कोई भी सामान है जो आप बाहर से लेके आ रहे हो वो आपने यहाँ से परचेज करना है, उसका यूज करना है। ठीक है, अगर आप कोई सामान लिया, आपने उसका यूज किया, आपको अच्छा लगा तो आप रिकमेंड कर दो, लोगों को बता दो, सिंपल सी वे, आपने सामान लिया आपको अच्छा लगा यूज किया, उसके बाद लोगों को बता दो,
उसके बाद उसकी भी दुकान चेंज करनी है। जैसे उसकी दुकान चेंज होएगी वो वहां से छोड़ के आपकी दुकान पे लेगा तो आपको पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें आगे क्या बताना है, जैसे अज्यूम मान लो ये हो गए आप यू की पोजीशन पे, ठीक है, आपकी आईडी लग गई यू की पोजीशन पे आप हो गए। आपने क्या करना, सिर्फ 2 लाख का प्लान अपना, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, 10-15 नहीं खोलनी, सिर्फ 2 खोलनी है, ठीक है। उसको ये बताना, मान लो 10,000 बिजनेस वॉल्यूम से कोई ए ने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, और 10,000 बिजनेस वॉल्यूम से बी ने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, इन दोनों की मैचिंग का कंपनी आपको 12% फिक्स अमाउंट देती है। 10,000 की मैचिंग का 12% आपको 1200 रुपये उस वीक के आ जाएंगे, ठीक है। इसमें जो इनकम होती है वो अपनी वीकली होती है, हर 7 दिन में आप इनकम यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। सेम डुप्लीकेट ए करेगा बी करेगा, ठीक है, 10,000 यहाँ, 10,000 यहाँ, ठीक है, और 10,000 यहाँ, 10,000 यहाँ, 20,000 इस साइड होगी, 20,000 इस साइड होगी, तो 2400 रुपये उस वीक के आपको मिलेंगे और 1200 इनको मिलेंगे, ठीक है। सिंपल सा प्रोसेस है, तो बताइए आपको प्लान कैसा लगा, ठीक है। वो कहेगा आपको मेरे को प्लान बहुत जबरदस्त लगा, तो उसी टाइम आपने उसकी आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी आप आईडी में लगाते हो वो आपने लेके उसकी क्लोजिंग ले लेंगे। सबसे मेन बात है आपने पैसे मांगने में हिचकिचाना बिल्कुल भी नहीं है। सबसे मेन बात होती है पैसे, अगर पैसे आपके हाथ में आ गए तो 99% बिजनेस आपके हाथ में आ गया। अगर 1% भी आपने पैसा मांगने में उससे डील कर दी ना, बहुत पीछे चले जाओगे सर आप। जितना भी आपने जो भी समझाया, अपना टाइम वेस्ट किया, अपना कीमती समय बर्बाद किया उसको समझाने में और पैसे मांगने में अगर आप चूक गए ना तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। सबसे मेन बात आती है पैसे ही, ठीक है। इतना ये सारा अपना प्रोसेस था, इतना ही करना है, इतनी में आपकी क्लोजिंग आ जाएगी। इसके बारे में अगर कुछ और वो कहे कि सर मुझे प्रोडक्ट के बारे में और बता दीजिए, तो आपके पास BOP जो बुक है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्लान, ठीक है, उस BOP में जाना, कुछ डिटेल नहीं देने बाकी कंपनी के बारे में, कंपनी क्या है, ठीक है, इसका क्या बोलते हैं कंपनी किस किस के साथ मेंबरशिप है, क्या है, ठीक है, कुछ नहीं, नॉर्मल प्रोडक्ट के बारे में जाओ, ठीक है, नॉर्मल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के ऊपर जाओ, प्रोडक्ट दिखा दो उसको, ठीक है, हमारे पास ये लिविंग है, ठीक है, लिविंग है, ठीक है, जो भी है आपके जितने भी कैप्सूल्स है ना, जो भी आपकी दवाई है, प्रोडक्ट है, वो आप सारे उसको दिखा दो, ठीक है, उसके बाद वो संतुष्ट हो जाएगा और एट ए टाइम आपकी क्लोजिंग आ जाएगी, ठीक है। मेरा यही रूल था, ठीक है, मैंने कि मैं अगर मैं मेरी बात करूँ तो जैसे मैंने कहा 3 दिन के अंदर मैंने ये सारा अपना स्ट्रक्चर अच्छे से तैयार करके, अच्छे से अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करके लोगों के सामने बैठा ना, आप यकीन नहीं करोगे 10 दिन के अंदर मैंने 1,25,000 रुपया इकट्ठा कर दिया था, कंपनी का 1,25,000 रुपये का बिजनेस कर दिया था। अगर मैं बात करूँ आप सोचोगे 1,25,000 तो नॉर्मल सी बात है, 2 क्लोजिंग आई होगी, जी नहीं सर, 1 ID लगी थी 5,000 में, हमारी जो ID मैं अगर ग्रीन करवाता था तो 5,000 में हमारी ID लगती थी, ठीक है, तो आप खुद लगा सकते हो कि 1,25,000 में कितनी आईडी होगी, ठीक है। 10 दिन के अंदर मैंने 1,25,000 रुपये का कंपनी को बिजनेस करके दे दिया था, ठीक है। तो आपको प्लान अगर अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंडों को भी शेयर करते हो सके तो अपने डाउनलाइन को सारी चीज़ें बता दो, सारी चीज़ें जो भी आप प्लान, आपके माइंड से प्रेशर हट जाएगा, आप सीखो, आपके डाउनलाइन को बताते जाओ, अब प्लान छोड़, आप डाउनलाइन को बताते जाओ और उनसे उनकी हेल्प करते रहो, उनके प्लान करते रहो, आपको रिजल्ट 101% मिलेगा। अगर इसके बारे में आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है, आप मुझसे कॉल कर सकते हो, ठीक है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैं यहाँ पर लिख देखता हूँ, 9518123876, ठीक है, सूरज मेरा नाम है, ठीक है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ठीक है। अभी तक आपने नहीं किया था, मैंने पहले बीच में कुछ नहीं बोला, तो अब आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए सूरज नागर, इससे भी अच्छी अच्छी लाख गुना वीडियो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें, धन्यवाद।